कंटाबांजी सहर रे राधाकृष्ण मंदिर रे भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी उत्सव हर्ष उल्लास रो सह पालन करा जाय छी। सेहिपरी सहर रे थिबा जगन्नाथ मंदिर, राम मंदिर, गायत्री माता मंदिर ओ महावीर रेसिडेंसी रे मध्य प्रभु श्री कृष्ण को जन्माष्टमी उत्सव पालन करा जायथिला। श्री राधाकृष्ण मंदिर रे सकाळ प्राय 11 घंटा समय रे नीति सहित प्रभु श्री कृष्ण को पंचामृत रे अभिषेक करिवा परे संध्या समय सिंगार ओ नूतन वस्त्र परिधान करा जायथिला। अग्रवाल सभा द्वारा संध्या रे होइथिबा भजन कार्यक्रम रे भजन सम्राट मनीष शर्मा ओ टिंकु सनी को भजन रो ताले ताले समस्त नाची उठिथिली। मंदिर पूजक रपु महाराज ओ आनंद महाराज पूजा अर्चना दायित्व ग्रहण करिथिबा बेले मंदिर रे शताधिक महिला पुरुषक समागम देखिबा को मिलिथिला। समस्ते मन ध्यान देई प्रभु कृष्णक जन्म समय को आवेगर सहित अपेक्षा करिथिले जे केते बेले सही समय आसिबो। समस्ते प्रभुंकु दोलीरे झुलाइबार इच्छारे जोगी बसिथिले। मन मध्यरे भक्तिर भावना सृष्टि होइथिबा बेले किछि समय बीति जिबा परे प्रभु जन्मलाभ कला परे समस्ते कृष्ण प्रेमी प्रभुंकु दोली झुलाइ मनरे संतोष लाभ करिथिली। ब्युरो रिपोर्ट बीटीवी ओडिया। कांडावजी के सबसे पुरातन राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ भगवान जी का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। आज का भजन संध्या में हाँ टिंकू भाई सोनी और मनीष शर्मा भजन गायक थे। उन्होंने बहुत धूमधाम से बहुत सुंदर भजन गाया और महफिल जमाया। रात को 12 बजे सैकड़ों संख्या के यहाँ पर भक्त उपस्थित हुए थे। झूमे नाचे भजन का सब आनंद लिए। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तत्पश्चात आरती हुई। तत्पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। आज राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। बहुत धूमधाम से मनाया गया। उसमें एक भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें भजन मंडली के द्वारा बहुत अच्छा भजनोत्सव का प्रोग्राम रखे थे और लोग झूम उठे उसमें। और ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसमें सभी भक्तजन बहुत धूम से नाचे गाए और धूम मचाए। उसके बाद में मंजरी का प्रसाद, चंदामृत का प्रसाद भगवान को लगाया गया और भक्तजन सब प्रसाद पा करके सब पहुँच गए। आज बहुत ही शुभ दिन है, भगवान का उस जन्म हुआ है।